हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरर सिंह। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो वीडियो है मेरी जो महिंद्रा XUV700 जो मैंने ली थी कुछ टाइम पहले, उसका यार ये देखो 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 10,034 अभी हो चुके हैं। तो इसमें मुझे आ चुका है कि आपकी सर्विस ड्यू हो चुकी है, तो मैं आज जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने। प्लस एक और चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑल 700 ओनर्स या जो ख़रीदना चाहते हैं यार, इस गाड़ी में मुझे रिकॉल आया है। महिंद्रा का मुझे कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि आपकी गाड़ी की कुछ वायरिंग वगैरह चेक करेंगे। तो मैंने भी एक दो ग्रुप्स जो ज्वाइन कर रखे हैं उनमें मैंने देखा, तो बाकी सारी गाड़ियों को ही रिकॉल आया हुआ है महिंद्रा का। 1,00,000 गाड़ी जो है महिंद्रा ने रिकॉल करी है XUV700। क्यों? क्योंकि जो अभी आपने रिसेंटली केसेस देखे होंगे कि गाड़ियों में आग लग रही है महिंद्रा के, तो अभी जो रिसेंटली हुआ था जयपुर हाईवे पे हुआ था आई बिलीव, तो गाड़ी में आग लग गई थी। तो महिंद्रा ने रीज़न ये दिया था कि गाड़ी में बाहर से कुछ छेड़छाड़ हुई है, बाहर से कुछ वायरिंग हुई है। बट उसके बाद महिंद्रा ने एज अ सेफ्टी स्टेप सारी गाड़ियों को रिकॉल कर लिया है। 1,00,000 गाड़ियाँ अब तक, आई थिंक 1,10,000-20,000 गाड़ियाँ बिकी हैं महिंद्रा की XUV700। बिकी क्या मतलब, लोगों को मिली हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग बहुत है गाड़ी की। तो उसके बाद महिंद्रा ने डिसाइड किया कि सारी गाड़ियों को ही रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के बाद जो भी वायरिंग कुछ होगी, जो भी पार्ट होगा, वो उसको चेक करेंगे और दोबारा न्यू लगना होगा तो न्यू लगा के देंगे। तो मुझे भी कॉल आ गई थी परसों, तो मैंने उनसे सैटरडे का टाइम बोला था कि मैं सैटरडे को आऊँगा, सैटरडे को मेरी गाड़ी की सर्विस भी है और आप अपना वायर का भी चेक कर लेना। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है जो भी XUV700 ओन करना चाहते हैं या ऑलरेडी ओन करते हैं, कि फ़र्स्ट सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होते हैं फर्स्ट सर्विस में, क्या क्या चीज़ें डलती हैं या नहीं डलती, क्या कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और सबसे बड़ी बात जो कि मेरा ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट और एडास वाली में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था सबको कि ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी घिसते हैं। तो मैं अभी जाके चेक करता हूँ कि क्या सिचुएशन है गाड़ी की और क्या क्या मेरी गाड़ी में डलेगा। वैसे मुझे ऐसा जिस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो होता है ना अपन सर्विस पे जाके बताते हैं कि मुझे गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है वो रिजॉल्व करवानी है, तो ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर वगैरह मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है, और गाड़ी को जो लास्ट में हम गाड़ी लेंगे सर्विस से, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या बिल आया और कैसे मुझे ट्रीट किया गया महिंद्रा में। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं महिंद्रा के शोरूम या सर्विस सेंटर, कुछ भी कह लो, ये रहा बगल में। अगर आपने मेरा डिलीवरी वाला व्लॉग देखा होगा तो आप पहचान जाओगे, ये वही जगह है, ये लिख रहा भाई महिंद्रा अपना। चलते हैं, एंट्री लेते हैं और अंदर दिखाते हैं क्या सीन रहता है। तो ये भी अपनी गाड़ी स्कैन करेंगे, एंट्री करेंगे, ताकि इनके पास रिकॉर्ड रहे। इस गाड़ी मैंने दे दिया महिंद्रा को, एंड अब वो लोग कह रहे हैं कि 4-5 घंटे लगेंगे इसमें, तो मैंने अपने कज़न को बुला लिया एंड हम लोग कहीं गेड़ी पर निकलते हैं आज। सो गाइस, फाइनली गाड़ी मेरी घर आ चुकी है, सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा महिंद्रा में। थोड़ा टाइम टेकिंग था वो तो हम जानते हैं, क्योंकि महिंद्रा में काफ़ी रश था, सैटरडे भी था इस वजह से। तो अब फाइनल बात कर लेते हैं कि हमारा बिल कितने का बना। तो भाई ये मेरा बिल मेरे हाथ में है फिलहाल, और कितने का बजा एक मिनट, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरी टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है फर्स्ट सर्विस की 4,946, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ है। और इसमें भाई क्या क्या मिला है, मतलब क्या क्या हमारी कॉस्ट लगी है, मैं बता देता हूँ। मैं वॉशिंग है, कार्बन फिल्टर वगैरह है, तो मेनली जो खर्चा है ना यार वो मेन ये है 2,300 का जो आपको दिख रहा होगा, डेट इज़ ऑयल चेंज हुआ है गाड़ी का। उसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर खर्चा नहीं आया है और गाड़ी एकदम ओके चल रही है, पहले भी ओके ही चल रही थी। और जो वो पार्ट था जिसके लिए रिकॉल आया था मेरा वायरिंग का, वो मैं आपको अभी एक फ़ोटो दिखाऊंगा। वो फ़ोटो मतलब वो जो पार्ट था वो चेंज हुआ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट महिंद्रा ने चेंज करके दिया है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सर्विस के साथ। और देख लो भाई, 30,00,000 की गाड़ी की कॉस्टिंग क्या आती है फर्स्ट सर्विस की,
तो अब अगर आप प्लान कर रहे हो तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। 4946 में मेरी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। कुछ एडिशनल सर्विसेज वो दे रहे थे जो कि मैंने नहीं ली, और आप मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग भी मत लेना क्योंकि वो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं। सो गाइस, जो मेरी गाड़ी में रिकॉल आया था वो आप जो ये ग्रीन मार्क में देख रहे हो वायर, इस वायर को चेंज करने के लिए आया था। अब मुझे नहीं पता इससे क्या इफेक्ट होगा, बट इन्होंने खुद से चेंज किया है। एंड जो इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आप ये साइड में पोस्ट करके जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हो। सही कुछ है भाई, 4946 में अपनी फर्स्ट सर्विस हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।